होली टू ऑल। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं आचार्य मुक्तकेश महाराज, इनसे जानेंगे होली के बारे में, होलिका दहन के बारे में। और महाराज आप बताएं होलिका दहन के बारे में क्या। ओम सोंग ब्रह्म रूपाय ब्राह्मण स्वाम गुरु जी, आप मेहरबान कुल मेहरबान। अखे अमर राजा राजे सुन चेतन श्री आप हो, श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जैसा आप सबको मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री कृष्ण की दया से, गुरुओं की कृपा से आज हम सब होली का दहन कर रहे हैं। और आज जो है वो होली का दहन है और पूर्णिमा की तिथि के दिन ही होली का दहन होता है। आप देख सकते हैं कि संपूर्ण चांद हमारे सामने है और नमस्ते नमस्ते, और चांद हमारे सामने है। तो इसी प्रकार जब होली जब हम मनाते हैं, जब पूर्णिमा का मुकम्मल चांद होता है, तो विशाल भाई आप थोड़ा चांद के दर्शन, चंद्र के दर्शन कराइए ताकि लोग चंद्र के दर्शन करें और चंद्र को देखकर जो है आशीर्वाद उनका हासिल करें। तो आप देख सकते हैं पूर्णिमा तिथि लग चुकी है और कुछ लोगों का कन्फ्यूजन थी कि भद्रा है। तो मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहूँगा कि सारी भद्राएँ अशुभ नहीं होती है, कभी कभी कुछ भद्राएँ शुभ भी होती है। तो जिसकी पूर्वज जो है वो आचार्य लोग और जो ज्योतिष विद्या का ज्योतिष लोग जो है फिर ये गणित में लेकर आते हैं कि आप इस पूर्व को बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर सिंध में स्वामीनारायण मंदिर के आचार्य, हमारे शीतला माता मंदिर के महाराज आचार्य साहब बाबू गिरी जी महाराज जी, और कुछ हमारे साधु बेला के आचार्य गण लोग, और कुछ हमारे उमरकोट से महात्मा जन हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने शोध किया और उन्हें कहा कि होली का जो पूर्वा है, होली का जो दहन है वो 6 तारीख को ही बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार से मुहूर्त भी बताया उन्होंने जो है 7:45 से 9 तक का कि इसमें शुभ होगा। तो इसी प्रकार से होली का दहन का ये पूर्व होता है और ये हमें याद दिलाता है सतयुग की, सतयुग से भगत प्रहलाद महाराज की। तो सतयुग में हरणाकश और हरणाकश्यप नाम के दो व्यक्तियों बड़ा पराक्रमी थे और उनको मारना बड़ा असंभव था, यहाँ तक कि देवता भी उसको नहीं मार सकते थे। तो उसी प्रकार से जब हरणाकश्यप को ये मालूम पड़ा कि उसके भाई का वध हो गया हरणाकश का, जब भगवान ने पाताल के अंदर उसको मारा और उसका खात्मा किया, उसकी लीला को समाप्त कर दिया, तो वो आग बबूला हो गया और उसने कहा कि जिसने मेरे भाई का वध किया है मैं भी उसका वध करूँगा और मैं उसको छोड़ूंगा। तो ये बदले की जो भावना थी इसकी, ये ऐसी भावना थी कि वो रात दिन जो इसी बारे में सोचता था कि मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊँ, इतना ताकतवर बन जाऊँ, जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसको ज़रूर मारूं, क्योंकि भगवान विष्णु ने जो है वो एक रूप लेकर जो उसके भाई को मारा था। तो इसी प्रकार से वो इस बात को सोचने लगा, समझने लगा, फिर उसने घोर तपस्या करना शुरू कर दी। एक पर्वत के ऊपर उसने हरणाकश्यप ने बड़ी घोर तपस्या आरम्भ कर दी और उसने इतनी भयंकर तपस्या की मानो कि आज तक वो तपस्या किसी भी राक्षस ने नहीं की होगी। एक समय क्या था कि पहले वो फलहार खाता, अनाज खाता, फिर कुछ समय के बाद उसने अनाज को भी छोड़ दिया, फिर इसके बाद वो फलहार खाने लगा, फिर वो फलहार को भी उसने छोड़ दिया, फिर वो जल पीने लगा और जल को भी छोड़ दिया, फिर वायु को ही उसने अपना आहार बनाया, और उसी पर वो कई वर्षों तक तपस्या करता रहा, यहाँ तक कि एकदम सूख गया और विचित्र हो गया। जब सूख गया, विचित्र हो गया, जब भक्ति सफल हो गई, उसका नियम सफल हो गया, फिर उसको ब्रह्मा जी ने दर्शन दे दिया और ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और उसको कहा कि उठो और तुम्हारे मन की क्या इच्छा है। बस उसके मन में एक इच्छा यही थी कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे कोई ना मारे और कोई भी ना मारे, मैं अमर होना चाहता हूँ हे देव। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुमको अमर होने का वरदान मैं कैसे दूँगा। फिर भी ये लीला थी भगवान की, क्योंकि उसकी लीला को समाप्त करना था। इसी प्रकार से फिर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या चाहते हो। बोला मैं ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना कोई इंसान मारे, ना कोई स्त्री मारे, ना कोई शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। तो ये सारे वरदान उसने प्राप्त कर लिए और ये समझा कि मैं अमर हो गया हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन घटना कुछ ऐसी हो गई कि ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। और देने के बाद जब उसको शक्तियाँ प्राप्त हो गई तो सबसे पहले उसने आक्रमण किया स्वर्ग में देवताओं के ऊपर और देवताओं को बंदी बना लिया। जब देवताओं को बंदी बना लिया और उस नगर में वो रहता था
उसी नगर में उसने हाहाकार कर दिया और उसे कहा कि आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। तो वहाँ के लोगों को उसने बंदी बना लिया, जो उसके कानून को नहीं मानते थे वो उसको मार देता था। तो इसलिए डर के लिए, खौफ से लोगों ने उसकी जय जयकार करना शुरू कर दी। पहले इस मंत्र का उच्चारण होता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर जब इसका शासन आ गया तो उसने कहा कि ओम नमो हरणाकश्यपाय नमः, इस मंत्र का जप करो। तो लोग डर के मारे, खौफ के मारे, जान बचाने के मारे इस मंत्र का जप करते, तो देवता परेशान हो गए। देवता ने बोला किस प्रकार से इसका समाधान किया जाए। आखिरकार उन्होंने तमाम देवता शामिल होकर भगवान के पास चले गए और भगवान से अरदास की, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हाहाकार मच गया धरती पे और राक्षस पैदा हो गया है, तो कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे ये राक्षस जो है ये मारा जाए। तो फिर भगवान ने ये कहा कि अभी थोड़ा समय है, अब इसी के घर के अंदर जो है मेरा भक्त जन्म लेगा जिसका नाम होगा भगत प्रहलाद, और वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, वो इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अगर ये मेरे भक्त को सताएगा तो फिर मैं ज़रा भी संकोच नहीं करूँगा इसको मारने के लिए। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते ना देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो कई जैसे ही भगत प्रहलाद का जन्म हुआ तो भगत प्रहलाद माता के गर्भ से ही वो ज्ञानी थे और उसको ज्ञान था, नारद मुनि ने ज्ञान दिया था, और कयाधु के गर्भ में ही जो है वो भगवान के भगत थे। जब संसार में आए तो उनके पास एक ही मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसी मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया और जैसे जैसे ये पता लगी उनके पिता को ये बातें, वो शिक्षा के लिए जाता था लेकिन उस्तादों ने भी उसको कहा कि महाराज हमारे बस की ये कथा मैं आपको संकोच में कराऊँ और ये शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, इतना समय नहीं है, तो कृपया करके आप थोड़ा इसको समझ लें। तो फिर आखिरकार में कई अधियतें उसको दी लेकिन वो प्रहलाद महाराज की सहायता भगवान विष्णु ने की, और जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको संसार में कोई नहीं मार सकता और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई बचा भी नहीं सकता। तो ये बात भी ध्यान में रखनी की है मैं। तो इसी प्रकार से आखिर में जो हरणाकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, फिर उसने होलिका को बुलाया क्योंकि होलिका के पास एक वरदान था कि उसके पास ऐसी एक चुनरी थी, ऐसी कोई एक शॉल थी जिसके द्वारा अग्नि का उसको वरदान था कि वो अग्नि के पास जाए तो अग्नि उसको स्पर्श भी ना करे, जले भी ना, ऐसा उसको वरदान था। उसने उसको बुलाकर कहा कि भाई अब इसको ले जाओ और उसको जो है अग्नि में इसका देह संस्कार कर दो और ये बालक मेरी बात को नहीं मान रहा है, मैंने कई प्रकार से उसको समझाया, अब इसका समाप्त करो उसकी लीला को। तो वो उसकी फूफी आई, पहले तो उसने प्रहलाद को समझाया, मना किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर भी उसकी फूफी ने कहा कि भाई मान जा, ये अपराध मुझसे हो जाएगा। बोला आप अपना काम करो, भगवान अपना काम करेंगे। तो इसी प्रकार से उसने उसको बुलाया और इसी तरह ये अग्नि आप देख रहे हैं, वो अग्नि को जलाया गया, उस पर उसको लेकर जब बैठी, और ऐसा कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को कौन जा सकता है। इसी प्रकार से जब एक जोरों की आवाज़ आई और जो हवा चली, वो चुंदरी जो थी वो प्रहलाद महाराज से, वो जोरों से, वो होलिका से हटकर प्रहलाद महाराज पे समा गई और जोरों की अग्नि के अंदर प्रहलाद महाराज तो बच गए और वो होलिका का निधन हो गया और वो जलकर भस्म हो गई। और लोगों ने वहीं पर जो है जोरों से आवाज़ लगाई कि भगत प्रहलाद मच गए, भगत प्रहलाद मच गए, भगत प्रहलाद मच गए, और उसके पूर्वों के अंदर जो है लोगों ने गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया और उसी खुशी में ये होलिका पूर्व बनाया जाता है। और साथ साथ जो है द्वापर युग के अंदर स्वयं भगवान कृष्ण भी जो है गोपियों के संग, ब्रजवासियों के संग जो है ये होली का त्यौहार बना देते हैं। और होली का अर्थ यही है मोहब्बत, प्यार, प्रेम। खास तौर पर दहन किसका करना है, जलाना किसने है, किसको है, हमको, जो हमारे मन के अंदर शत्रु पैदा हो रहे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसका दहन हमें करना चाहिए। अगर हम उसका दहन कर देंगे तो हम भी प्रहलाद महाराज की तरह सच्चे भगत बन जाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। तो मेरे ओर से पूरे पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को होली की शुभकामनाएं। मैं मुक्ताकेश महाराज, अगर बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण।